हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक होम क्रिएटिविटी। आज मैं आपको सही से आटा गूंदना सिखाऊंगी। पहले आटे को छान लें। इसमें ना थोड़ा सा ये हमारे घर का आटा जैसे पिसवाते हैं ना, तो वो है, तो इसमें आटा छानना ज़रूरी होता है बहुत, ताकि इसमें जो गंदगी है, जैसे मोटे मोटे कोई दाने होते हैं गेहूँ के या ये गंदगी है, इसको हम निकाल सकें। इससे आटा ना थोड़ा मोटा मोटा गूंदता है इसलिए। अब ये हम थोड़ा सा प्लेथन निकालेंगे, इसे सूखा आटा कहते हैं। इसे इसमें भी बरकत होती है, ये भी निकालना ज़रूरी होता है, तो आप ये बरकत ज़रूर निकालें। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, थोड़े से 5-6 दाने या थोड़ी सी चीनी। आप टेंशन मत लीजिएगा, इससे आपको पीली या मीठी या नमकीन रोटी नहीं बनेगी। ये सब चीज़ें डालने की बरकत होती है। ये घी है, चाहे आप इस टाइम पे डाल सकते हैं या आप आटा गूंदने के बाद भी। ये लोटा है, इस लोटे से कभी भी आटा नहीं गूंदना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। और ना ही आटा गूंद के बाद इसको इसके अंदर रखना चाहिए, थाल के अंदर। हमें हमेशा खुले मुँह के बर्तन से, जैसे भगोना या पतीला, जिसे भी आप जो भी कहते हैं, इससे गूंदना चाहिए, या जग हो गया उससे गूंद लीजिए। इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा पानी मिला के, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आप आटा गूंदिए। इसमें ना नमक डालने से घर में बरकत रहती है, और चीनी डालने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, आपस में मिठास प्यार बना रहता है। तीसरी चीज़, घी, चाहे गूंदते टाइम डाल लें आप, चाहे बाद में। इसमें आटे की जो ऊपर परत आती है ना, वो भी गंदी नहीं आती, जैसे काली काली सूखने के बाद सूख जाता है आटा या काली हो जाती है, वो चीज़ भी नहीं आती है। थोड़ा ये भी होता है, और इससे भी आटे में बरकत रहती है। तो ये आपको एक बार में पता नहीं चलेगा, ये आप कम से कम 10 से 15 बार अगर करेंगे ना, 15 दिन तक करेंगे, तो आपको अपना फ़र्क दिखेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर आप आटा गूंदे अच्छे से। ये रसाएँ, ये देखिए अच्छे से इसको ना ऐसे रसाने से क्या होता है, आटा गूंदने से हमें जो बीमारियां लग जाती हैं पेट की, जैसे किसी तरह की, वो चीज़ें नहीं लगती हैं। इससे खाना अच्छे से हमारा हजम हो जाता है। ये सारा आटा पानी लगा के अच्छे से छुड़ा लीजिएगा, पूरा थाल साफ हो जाना चाहिए। हमारा कोई भी अन्न है ये नाली में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भोजन को देवता माना गया है। तो हमें खाना बनाते समय हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, मन में खुशी होनी चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए खाना बनाना चाहिए। हो सके तो नहा के करें, नहीं है तो बिना नहाए हाथ धो के खाना बनाएं। इससे क्या होता है कि हम जैसे हमारा मन ख़राब है और हम आटा गूंद रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, तो हमारा मन ख़राब है, हम जो खाना बनाएंगे ना वो हमारा बीमारियों का घर हो जाएगा। और अगर वही हम खुश मन से भगवान का नाम लेके खाना बनाएंगे, तो वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। इससे बच्चों को अच्छे संस्कार आते हैं, घर में बरकत रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। ये सारा अच्छे से आप पूरा थाल साफ कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए मैं कितने अच्छे से आटा रसा रही हूँ। ऐसे रसाना है अच्छे से, खूब जोर लगा के अच्छे से आटा रसाएं। और फ्रिज का रखा आटा बिल्कुल मत खाएं, जितना हो सके उतनी ज़रूरत हो आप उतना ही आटा गूंदें, अगर आपको जितनी ज़रूरत है। हम तो कभी भी फ्रिज का रखा आटा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ना बीमारियाँ हो जाती हैं उससे, और कुछ नहीं है। और वैसे भी कहते हैं हमारे शास्त्रों में ये है, ये भी बोला गया है कि जो पिंड बोला जाता है आटे को, जब हम गूंद के रख देते हैं, तो उससे ये भी है आप तभी वो भी ना करें, तो ताज़ा ही आटा गूंदें। ये देखिए कितना अच्छा आटा गूंदा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, हाथ भी देखिए मेरा कितना साफ़ हो गया है, थाल भी बिल्कुल साफ़ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा के दिखाऊंगी। घी मैंने पहले भी डाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा बाद में भी लगा देती हूँ, ताकि आटा नरम रहे, सूखे ना ऊपर से। मेरा थाल बिल्कुल साफ हो जाता है, चाहे धोने की भी ज़रूरत नहीं, इतना साफ़ हो जाता है। लेकिन मैं तो खैर धो के ही यूज़ करती हूँ, मैं वैसे मजाक कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही गूंदिएगा आटा, और नाली में अन्न ना जाए कोशिश करें। अगर आप ये दोनों से गूंदते हैं तो दोनों से गूंदें, बट मैं तो ना एक ही हाथ से गूंद पाती हूँ, कई लोग दो हाथ से गूंदते हैं। ये देखिए अच्छे से रसा लीजिएगा इसको, कितना सॉफ्ट। और आटा गूंदने के बाद थाल में भी ना रखें इसको, आप उसी टाइम खाली कर दीजिए, और गोला बना के बिल्कुल ना रखें,
ऐसा गोला बना के कहीं रोक देते हैं, इसमें आटे में कुछ उंगली वगैरह जैसे कोई निशान बना देते। अब इसे आप ढक के ना रख दीजिए, 5-10 मिनट बाद आप रोटी बना लीजिए। ये मेरी जानकारी थी, आपके साथ शेयर करनी थी।